की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है नई दिल्ली से। कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर है। देश में इलाज करा रहे लोगों की संख्या घटी है। 7 महीने बाद 2 लाख से कम आंकड़ा पहुंचा है। यह कुल संक्रमितों का महज 1.86% है। एमपी में 10,000 से भी कम उपचाराधीन है। 207 दिन बाद राहत भरी खबर मिली है। तो जिस तरीके से पहले कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे, दिन प्रतिदिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा था, लेकिन अब एक राहत भरी खबर कोरोना को लेकर, ये अच्छी खबर, देश में इलाज करा रहे लोगों की संख्या अब कम हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर, जिस तरीके से बहुत तेजी से एक टाइम पे आंकड़ों में इजाफा हो रहा था, प्रतिदिन संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब एक अच्छी खबर, राहत भरी खबर, देश में इलाज करा रहे लोगों की संख्या अब घटी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये जानकारी आज बुधवार पब्लिक की है। उन्होंने कहा कि 7 महीने के बाद कोविड 19 के जो अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट है उनकी संख्या घटकर 2 लाख के आंकड़े नीचे आ गई है। और अब फिलहाल स्थिति है कि कुल जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनमें से महज 1.86% भी अब उनका इलाज चल रहा है। मतलब की बात है कि जिन लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था उनकी संख्या कम हुई है, और साथ ही साथ उनकी भी संख्या कम हुई है जो अभी भी इन्फेक्टेड है और इस बीमारी का इलाज करा रहे हैं। यहाँ एक बात की जानकारी और देना क्या रहता है रहेगा, अब जो फिगर आया है कि जितने लोगों का देश में इलाज चल रहा है वो फिगर 1,95,201 हो गया है। तो जैसा आपने शुरू में कहा कि बहुत ही रैपिडली नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल और जो सारी चीजें बढ़ती चली जा रही थी, उससे 207 दिन के बाद एक राहत भरी खबर आई है। और ये जो इन्फेक्टेड लोगों की संख्या थी ये काफी कम हुई है, लेकिन ये कमी जो है ये बाय एंड बाय आ रही है। और उसकी वजह ये है कि ये जो मामले बैठते हैं कोविड 19 के, यहाँ एक और चीज ये है कि जो ग्लोबल लेवल पर वैश्विक स्तर पर भारत उन देशों में शामिल हो गया जब पिछले 7 दिनों में हर 10 लाख की आबादी पर नए मामले सबसे कम रहे। मतलब ये है कि भारत उन देशों में आ गया जहाँ 10 लाख की आबादी पर मामले कम से कम आ रहे हैं लोगों के। बाकी देश जो रह गए इस में नहीं आ पाए हैं वो ये है जहाँ 10 लाख की आबादी पर ऐसे मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जब ये वैक्सीनेशन चल रहा है तो इसको वैक्सीनेशन की वजह से तो कह नहीं सकते, पिछले कुछ दिनों के फिगर है, लेकिन बहुत उसके दिनों में माना जा सकता है। एक तरफ वैक्सीनेशन से जो लोगों को राहत मिली जो विश्वास बन रहा है, और दूसरी बात इसमें से ज्यादा जो चीजें हैं वो ये है कि अब वैक्सीनेशन के अलावा अपने आप की बीमारी और भी चीजों के चलते कम हो रही है। और एक बात और मध्य प्रदेश के लिहाज से जो बताना जरूरी कि नए मामलों में 79% से ज्यादा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो मतलब ये, और इन राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल नहीं है, शामिल है इन राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल है, इन राज्यों में केरला शामिल है, इन राज्यों में पश्चिम बंगाल शामिल है और बाकी के केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक अच्छी खबर कई दिनों के बाद आई है और ऐसी चीजों के बीच में आई है जब भी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना के केस आ सकता है। तो फिलहाल कुछ होने की बात है, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना का एक और फैलाव नहीं जा सकता है उसके चलते इस खबर को पढ़ने के बाद पूरी तरह निश्चिंत होकर लापरवाह होकर नहीं बैठना चाहिए, सबको ध्यान रखना होगा। सुना जी रत्नाकर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर, 207 दिन बाद ये राहत भरी खबर आ रही है। एक तरफ जो है पहले तो वैक्सीनेशन की खुशखबरी जो है लोगों को मिली, और अब कोरोना को लेकर भी एक अच्छी खबर कि अब जो लोग इलाज करा रहे हैं उनमें कमी आई है, काफी संख्या जो है घटी है। तो कहीं ना कहीं दोहरी खुशी कह सकते हैं, एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा जिस तरीके से पहले संख्या बढ़ रही थी लेकिन अब घट रही है, लोगों के लिए काफी राहत मिली है।